COVID-19, COVID-19 मतलब कोरोना वायरस डिजीज जो 19 में स्प्रेड होना चालू हुआ, और हमें पता है कि इस डिजीज में क्या हो रहा है और हमें इसे इसके उपाय ऐसे ढूंढने हैं और जो एक प्रिकॉशन लेवल पे हो, और अगर बहुत ज़्यादा सेफ और सेफ्टी मेजर्स को लेते हुए प्रिकॉशन करते हुए अगर हो जाए तो उसके बाद भी क्या करना चाहिए, और उस समझ को समझ लें तो उस समझ का भी नाम योगा है। और आज मैं इसमें एक प्रैक्टिस की भी बात करने वाला हूँ जो काफी फेमस है, जिसका नाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। देखो, ये समझना है हमें कि पहले अगर हम करें तो प्रोटेक्ट कर सकता है यही अनुलोम विलोम प्राणायाम, और अगर हो जाए तो तब करें तो हमें काफी मदद कर सकता है, इनफैक्ट हमें ठीक कर सकता है, हमें उसमें उसे बचने के लिए या उसमें ठीक होने के लिए COVID-19 से। अब ये हमें अगर समझना है, जिस समझ का नाम योगा है उसको उसको समझने के लिए हमें ये समझना होगा, ये अनुलोम विलोम है क्या, एग्जैक्टली क्यों नाम है इसका, और एग्जैक्टली ये क्या काम कर रहा है। अगर ये समझ आएगा तो आप हम जान सकते हैं कि एग्जैक्टली ये काम कैसे कर रहा है, तो जिससे आपको भी ट्रस्ट आएगा, फेथ आएगा कि जो मैं बोल रहा हूं वो सही है और ऐसा पॉसिबल है, एटलीस्ट कह सकते हो ऐसा पॉसिबल है। तो ये क्या है अनुलोम विलोम प्राणायाम, तो जिनको नहीं पता है तो पहले मैं ये प्रैक्टिस बता देता हूं। ये है क्या प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस क्या है अनुलोम विलोम प्राणायाम, शायद ही कोई होगा जिसको ना पता हो, बट फिर भी इसमें एक तरफ से ब्रीद लेते हैं, तो मैं लेफ्ट से लेता हूं, तो लेफ्ट से ब्रीद ली, राइट निकाली, राइट से ब्रीद ली और लेफ्ट निकाली। इसको इस तरह से करते हैं जैसे हाथों की मुद्रा यूज करते हैं, राइट थंब राइट नॉस्ट्रिल पे ब्लॉक करने के लिए रखते हैं और लेफ्ट से इनहेल करते हैं, और ये लेने के बाद दो मिडिल फिंगर या कई बार दूसरी उंगलियां भी यूज कर सकते हैं, तो वो इंपॉर्टेंट फिलहाल नहीं है, हमें प्राणायाम समझना है। तो ये दूसरी तरफ दूसरी उंगली रखते हैं, दो मिडिल फिंगर, और ये जो इनहेल की हुई है इसको एक्सहेल करते हैं। स्विच करते हैं, लेफ्ट से ली, राइट निकाली, राइट से लिया और लेफ्ट से निकाला। तो ये है अनुलोम विलोम की प्राणायाम की प्रैक्टिस। इसका नाम क्यों है अनुलोम विलोम, तो ये संस्कृत नाम है, इसको हम थोड़ा सा कन्वर्ट कर लें हमारी फैमिलियर लैंग्वेज में, जिसको हिंदी या इंग्लिश कह सकते हैं। इंग्लिश में अगर बोले तो इसको ऑल्टरनेट ब्रीदिंग बोलते हैं, तो ऑल्टरनेट जब कहते हैं तो कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है ये आमने सामने की बात नहीं हो रही है, इट्स अ ऑल्टरनेट मतलब कहीं और कहीं की बात हो रही है, मतलब सिर्फ वहीं और वहीं की बात नहीं हो रही है, ये सिर्फ कहीं और कहीं की बात हो रही है, मतलब यहां वहां। तो अगर इसको प्रॉपर अगर मैं ट्रांसलेशन दू हिंदी में, सो अनुलोम विलोम का मतलब ये आ सकता है एग्जैक्टली, भले ना हो लेकिन इसको हम देखिए कन्वर्जन लैंग्वेज जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो कहीं ना कहीं ऊपर नीचे चीजें एग्जैक्टली नहीं होती है, बट समझने के लिए ये है। सो जैसे हम कह सकते हैं अनुलोम विलोम मतलब अनुलोम विलोम, मतलब लेफ्ट से लिया राइट, तो ये अनुलोम हुआ और ये विलोम हुआ, मतलब विलोम मतलब अनुलोम का उल्टा, मतलब ये कह सकते हैं यहां से वहां। तो इसको अगर हिंदी में अगर बोल रहे ऐसे तो उसी क्या होगा, यहां से वहां और वहां से यहां, इसका ये मतलब है। तो ये मतलब से ही आपको समझ आएगा कि क्या है, तो ये प्राणायाम का मतलब है। तो आप समझ सकते हो इसमें हमारे पास दो नॉस्ट्रिल्स हैं, मतलब बेसिकली दो नॉस्ट्रिल हमारी होती है जिसमें हम सिंपल ब्रीदिंग नहीं ले रहे, सिंपल ब्रीदिंग मतलब सांस ली, हम ऐसा कॉमन ब्रीदिंग नहीं ले रहे जहां पे हम ये चीज सिर्फ ले रहे निकाल रहे हैं, इसमें हम क्या कर रहे हैं ऑल्टरनेट कर रहे हैं, मतलब कहीं ले रहे हैं कहीं निकाल रहे हैं, और जहां निकाल रहे हैं वहां से फिर ले रहे हैं, जो कि फिक्स नहीं, ऑल्टरनेट कर रहे हैं। और इससे होता क्या है, देखो ये क्यों मैं बोल रहा हूं कि COVID-19 से बचने के लिए भी अच्छा है, और COVID-19 अगर हो गया है तो उस डिसीज से
ठीक होने के लिए भी है। ये क्यों है? क्योंकि ये एज ए वेंटिलेटर प्राणायाम है। वेंटिलेटर प्राणायाम मैं इसलिए कह रहा हूं, वेंटिलेशन का मतलब क्या होता है? वेंटिलेशन का मतलब ये होता है कि जो सारी सांसें हैं वो ठीक से फैलें, ठीक से सर्कुलेट हो। जैसे जिनको सांस लेने की तकलीफ होती है उन्हीं को वेंटिलेटर पे रखा जाता है, तो सांस में लेने की तकलीफ। दूसरी बात, अगर पहले समझेंगे कि पहले कैसे फायदा कर रहा है, ये तो समझ आ रहा है कि बाद में अगर हो गया पॉजिटिव डिटेक्ट हुए तो हो गया तो क्या करें। अब ये बात हो रही है कि अगर पहले हो तो कैसे, सिंपल सी बात है, अगर ऑक्सीजन का जो घुमाव है शरीर में, जो सर्कुलेशन है वो अच्छे से हो, वेंटिलेट हो, तो कैसा शरीर होगा? अच्छा होगा। आपने नोट किया होगा जब आप ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस करते हो तो पूरी शरीर में घूमने लगती है और आपको एक ताजगी, एक फ्रेशनेस, एक एक्टिव इंस्पिरेशन आने लगती है दिन को जीने का, एक मोटिवेशन आने लगता है और करने का एक इंटरेस्ट पैदा हो जाता है। अगर ये एक फ्यूल है, अगर ये नहीं है तो करोगे कैसे? तो ये जैसे हम खाना खाते हैं, तो खाना खाते हैं एनर्जी मिलती है। सो एनर्जी क्या है? दिन भर का फ्यूल है। अगर वो फ्यूल हमें मिल जाए तो हम काम कर सकते हैं, अगर ये ना मिले तो। वैसे ही ऑक्सीजन इज ए फ्यूल। सो बाकी की ब्रीदिंग को मैं क्यों नहीं बोल रहा हूं, अनुलोम विलोम प्राणायाम की क्यों बोल रहा हूं कि ये फ्यूल है? क्योंकि बाकी की ब्रीदिंग में भी हम ब्रीदिंग ही कर रहे हैं, ऑक्सीजन से रिलेटेड ही एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन उसमें शायद ब्रीदिंग का आना जाना है, शायद क्लेंजिंग है, शायद एनहांसमेंट है, लेकिन इसमें जो है नरिशमेंट है। नरिशमेंट मतलब आपको मिलता है, आपके बॉडी में बढ़ता है क्या? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। तो सिंपल सी बात है, हर काम में, चाहे वो हाथ उठाना हो, चाहे पैर मूव करना हो, चाहे सोचना हो, हर जगह ये काम आएगा। तो ये फ्यूल है, इसीलिए कह रहा हूं कि ये चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है पहले भी और बाद में भी, अगर COVID-19 के बारे में हम बात करें तो। कैसे, इसको मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं तो आपको समझ आएगा कि क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल एक रूम है जिसमें दो विंडोज हैं। अभी इसको समझने के लिए तो हम रूम को समझ रहे हैं और एक उसमें दो विंडोज हैं, और विंडो कैसे, आमने सामने, मतलब एक विंडो सामने है यहां पे तो एक उसके एग्जैक्ट उसी के पीछे वाले की वॉल पे है, सामने, आमने सामने है। सो शरीर भी वैसी ही है। शरीर क्या है? कमरा है, नोज क्या है? विंडो है, और विंडो में हवा आने जाने की बात करें जिसका नाम प्राणायाम है, और हम जिस प्राणायाम की बात कर रहे हैं उसका नाम अनुलोम विलोम है, और उसका मतलब मैंने अभी बताया है, यहां से वहां, वहां से यहां। तो अभी क्या हो रहा है ये कमरे में, देखो कमरा अगर सही रखना है तो हवा जो बाहर चल रही है और अंदर चल रही है उसका बैलेंस बना रहा है, तो कमरे के मामले में कहेंगे उसका वो योगा है। वैसे शरीर का तो ये अनुलोम विलोम प्रैक्टिस टेक्निक कैसे काम कर रही है उसके बारे में बात करें। सो सामने वाले विंडो से हवा आती है, पीछे वाले हवा विंडो से हवा निकल जाती है, आती है निकल जाती है। ये एक सिंपलर प्राणायाम है। जैसे हम कहें सांस ली, ये सिंपल प्राणायाम, इसमें कुछ अल्टरनेट नहीं हो रहा है। तो क्या हो रहा है, हवा आ रही है, सामने से हवा निकल जा रही है। तो आपने देखा होगा ऐसे कमरे में जहां विंडो आमने सामने होती है तो हवा आती जाती है, तो होता क्या है कि हवा बाहर से अंदर आ रही है और उसी उतनी ही तेजी से बाहर निकल जा रही है। तो इसमें जो असर पड़ता है बाहर के एनवायरमेंट का, फ्रेशनेस का, वातावरण का, जो रूम के ऊपर असर पड़ता है वो बहुत कम पड़ पाता है। आपने देखा होगा और आप कहते भी हो कि देखो ये कमरा ठंडा, अगर मान लें गर्म है तो ठंडा हो तो रहा है लेकिन उतना असर नहीं दे रहा है क्योंकि सामने सामने है विंडो, हवा आती है निकल जाती है, सामने आती है और निकल जाती है, तो उतना फर्क नहीं पड़ रहा है, तो ये आमने सामने है। लेकिन अगर यही विंडो थोड़ा क्रॉस्ड हो जाए, डायगोनल हो जाए, तो एक विंडो मेरे राइट साइड में है, मतलब ये रूम है उसके राइट साइड कॉर्नर में है, और एक लेफ्ट साइड कॉर्नर में है, एक आगे की तरफ वॉल, एक पीछे की राइट, मतलब सॉरी लेफ्ट, आगे के वॉल में राइट की तरफ एक विंडो है और एक पीछे की वॉल में लेफ्ट की तरफ, तो डायगोनल है क्रॉस।
तो क्या होगा, कोई भी चीज सीधे चलती है अगर ना मिले जगह तो मुड़ने लगती है, वैसे ही हवा है। तो अब क्या होगा, कमरे में अगर राइट साइड से यानी कि सामने वाली जो वॉल है वहां के राइट साइड से विंडो से आई, जैसे आएगी सामने की तरफ बहेगी और टकरा जाएगी वॉल से, क्योंकि वहां विंडो नहीं है तो हवा निकल नहीं पाई। तो क्या हुआ, यहां हवा आई लेकिन निकल नहीं पाई। तो क्या निकलना नहीं चाहिए, निकलना चाहिए लेकिन थोड़ी देर रुक कर। तो अब हवा क्या हो जाएगी, घूम जाएगी कमरे में, क्योंकि हवा आई यहां वॉल में टकरा गई तो वो घूम गई, लेकिन घूमते समय कहीं ना कहीं उसको जो पीछे वाली वॉल का लेफ्ट विंडो है मेरे हाथ में, लेफ्ट साइड में जो विंडो है वो वहां पे पहुंचे, तो कुछ हवा निकल गई। तो इसमें हो क्या रहा है, हवा आती है थोड़ी घूम जाती है और घूमने के वजह से कुछ हवा वहीं रुक जाती है, कुछ निकल जाती है, अब फिर आती है और फिर घूम जाती है तो फिर निकल। तो इसमें भी आना जाना तो है लेकिन इसमें रुकना भी है। तो कह सकते कमरे में हवा रुक रही है। अब मुझे आप ही बताइए, पहले में सामने सामने हवा थी वो रूम बहुत अच्छा फ्रेश फील होगा उसमें, या थोड़ा डायगोनल है उसमें फ्रेश फील होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, विंडोज के अल्टरनेट पोजीशंस पे है, एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड में, आगे पीछे की वॉल्स पे है। तो ये कमरे में था, वैसे ही जब हम ब्रीदिंग करते हैं, लेफ्ट से लेते हैं राइट से निकालते हैं और राइट से लेते हैं तो लेफ्ट से निकालते हैं, तो होता क्या है, वेंटिलेशन होता है शरीर में, इसका एक घुमाव होता है, ना कि सिर्फ सांसें यानी कि हवा अंदर बाहर होती है, इसमें अंदर बाहर फ्रेशनेस को तो लेती ही रहती है, बैलेंस तो करते ही रहते हैं, साथ में अंदर एक रुकाव ऑक्सीजन का मिलता है। क्योंकि अगर आप ब्रीदिंग ऐसे करेंगे तो इसमें रुकती नहीं है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसके फायदे नहीं है, फिलहाल हम बात कर रहे हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो अनुलोम विलोम कैसे काम कर रहा है, अनुलोम विलोम को क्यों बोल रहे हैं और कैसे ये प्री COVID-19 के लिए अच्छा है और पोस्ट COVID-19 में अच्छा होगा। तो इसमें होगा क्या, सांसें आप लोगे तो एक ताजगी फ्रेश भरी सांसें अंदर जाएंगी और बॉडी में फैलेंगी, एक घुमाव क्रिएट होगा जिसके वजह से पूरी शरीर में होगी, और शरीर में होने के वजह से क्या होगा कि सबको मिलेगा, और ये अल्टरनेट होने के वजह से इसमें जो निकलेंगी वो पूरी तरह नहीं निकलेगी और एक पार्शियलिटी बनी रहती है आने जाने और रोकने के बीच में। इसको अगर एक्सपीरियंस लेवल पे आप चेक करना चाहें तो इसको अभी तुरंत, अगर आपने ज्यादा खाया ना हो और एम्प्टी स्टमक फील कर रहे हैं, लाइट फील कर रहे हैं, तो इसको अभी अभी तुरंत आप फील करके देख सकते हो। आप क्या करें, 10 प्राणायाम जो है सांसें अंदर बाहर करके करें, इसका नाम भस्त्रिका है। तो हम इसको कमिंग वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे, फिलहाल अनुलोम विलोम। तो फीलिंग वाइज इसके डिफरेंसेस को समझ लें, तो क्या करना है, सिर्फ सांसें अंदर बाहर करनी है, और एक फीलिंग्स को महसूस करें और ये फीलिंग्स को रखने की कोशिश करें, और फिर दूसरी प्राणायाम करने की बात करें, कोशिश करें, और फिर डिफरेंसेस को देखें कि क्या फर्क है दोनों में, तो आपको एक्सपीरियंस वाइज भी समझ पाएंगे। अनुलोम विलोम में क्या करना है, लेफ्ट से ब्रीद लेना, राइट निकालना, राइट से लेना, लेफ्ट लेना, इसे भी करते हैं। आठ दस बार जरूर करें ताकि अच्छे से समझ आए।
तो आप अगर नोट करके देखेंगे तो आप पाएंगे जब आप भस्त्रिका प्राणायाम यानी कि सांसों को ले रहे थे और निकाल रहे थे तो आप उसमें पाएंगे एक एनहांसमेंट, एक इम्प्रूवमेंट, एक एक्साइटमेंट की चीजें तो लगेंगी उसमें। लेकिन अगर आप अनुलोम विलोम की प्राणायाम की प्रैक्टिस करेंगे तो एक कंटेंटमेंट फीलिंग होगी, एक सेटिस्फेक्शन फीलिंग होगी, बिकॉज इसमें सिर्फ आना नहीं, हवा आती भी है जाती भी है, साथ में नरिश होती है। देखिए ब्रीदिंग का पर्पस क्या है, ब्रीदिंग का पर्पस है तीन चीजें हमें मिलनी चाहिए, एक है ऑक्सीजन मिले, एक है जो ऑक्सीजन खराब हो गया इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाए, और तीसरा है कि वो ऑक्सीजन इतने अच्छे से अंदर कंज्यूम हो ताकि उसका प्रॉपर जो पर्पस है वो पूरा हो सके। यही ब्रीदिंग का पर्पस होता है, और ये कंप्लीट जो प्रैक्टिस जो इसमें मिल पाती है, जो रिक्वायरमेंट हो पाती है, वो सिर्फ इसी अनुलोम विलोम प्रैक्टिस में मिल पाती है और बाकी के प्राणायाम में नहीं मिलती। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, वो देखिए ये ऐसा है, डिफरेंट ब्रीदिंग डिफरेंट पर्पस और नीड्स को टारगेट करती है, वैसे ही एक अनुलोम विलोम प्राणायाम है। तो आपने सुना ही होगा हमेशा, जब भी आपको कोई आप किसी से पूछते हो, राय लेते हो योगा से, ब्रीदिंग से रिलेटेड, तो आपको वो एक प्राणायाम जरूर रिकमेंड करता है, वो अनुलोम विलोम, और कहता है, और कभी कभी आप आश्चर्य हो जाते हो कि ये सब कैसे फायदा करेगा, और यही कहता है वो कि इससे आपको कंप्लीट बेनिफिट है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, अनुलोम विलोम करने। और इसके साथ भस्त्रिका और कपालभाति का भी रिकमेंडेशन आता है, और लेकिन हम उसको अभी नेक्स्ट वीडियो में हम उसे जरूर टारगेट करेंगे। तो प्लीज इसको देखते रहिए और समझते रहिए।